आरपी न्यूज की खबर दिन भर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। इमामगंज विधानसभा स्तरीय कोविड डेडिकेटेड चयनित केंद्र मैग्रा आईटीआई का मंडलीय पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। कोरोना से जनता की सुरक्षा की भी कही बात। गुमला में आदिम जनजाति लोगों को नहीं मिलता सरकार की योजनाओं का लाभ। योजनाओं को घर घर पहुंचाने के दावे हुए फिर जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित। बेगोपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि छोटन खान पंचायत को खुद से कर रहे सैनिटाइज। कहा जनता की सेवा ही असली है इबादत। गया जिला के इमामगंज विधानसभा के वर्तमान विधायक सह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी को कोरोना की स्थिति से समाज सेवियों व विधायक प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार दांगी द्वारा अवगत कराने के बाद उन्होंने जिलाधिकारी की वर्चुअल मीटिंग में भाग लेते हुए इमामगंज में अविलंब कोरोना से जनता की सुरक्षा हेतु सभी दवाई ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की बात कही। इसे माननीय मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी को इमामगंज विधानसभा स्तर पर एक कोरोना डेडिकेटेड केंद्र बनाने के लिए अवगत कराया। इनके अनुरोध पर गया जिला प्रशासन की ओर से बढ़ते कोरोना संक्रमित लोगों को इलाज के लिए डुमरिया प्रखंड के मैग्रा आईटीआई में 50 बेड का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल निर्माण कराया जाना है, जिसमें 20 बेड ऑक्सीजन सहित व्यवस्था कराई जाने की बात कही थी। जिसे लेकर सोमवार को कोरोना डेडिकेटेड केंद्र मैग्रा आईटीआई का अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र पंडित और इमामगंज डीएसपी अजीत कुमार ने निरीक्षण किया। निरीक्षण कर आईटीआई का बड़ा स्पेस देखकर काफी खुश हुए। कहा ये कोरोना डेडिकेटेड केंद्र के लिए स्टिक जगह है जिसमें हर एक चीज उपलब्ध है, जिससे संक्रमित मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इस मौके पर डुमरिया पीएचसी पदाधिकारी धर्मवीर कुमार, बीडीओ कुमारी पुष्पावती, सीओ अरविंद कुमार चौधरी, इमामगंज बीडीओ जयकिशन कुमार, सीओ राजकुमार के अलावा मैग्रा थाना प्रभारी सौरभ कुमार एवं डुमरिया थाना अध्यक्ष आदि मौजूद थे। चिंता का विषय रहता था आपके यहाँ, लेकिन अभी यहाँ पे खुल गया थी, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? गया जिलाधिकारी महोदय डीएम साहब का अथक प्रयास और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का अथक प्रयास से यहाँ महामज विधानसभा के मेघला आईटीआई कॉलेज में कोविड का पेशेंट रखने के लिए 50 बेड वाला किया गया है, जो इस क्षेत्र के पूरे इमामगंज डुमरिया बाटा बाजार क्षेत्र के आम जनता को सहूलियत होगा। और बगल का राज्य झारखंड राज्य का भी कुछ जो महामारी फैला गया है उसका भी यहाँ पर ही इलाज होगा। और मैं जिलाधिकारी महोदय और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। अपना परिचय दे दीजिए। संजय प्रसाद, मुखिया ग्राम पंचायत चक्रबंदा। यहाँ पे हम लोगों ने और हमारे नेता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के अथक प्रयास से और माननीय इसमें मैं नीतीश कुमार का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतनी पहल, और डीएम साहब को गया का भी मैं ये इस पर धन्यवाद देता हूँ कि जो क्षेत्र की समस्या थी और गया से डुमरिया की दूरी बहुत काफ़ी दूर हो जाती है। यहाँ से गया जाने में हम लोग को कोविड पेशेंट की स्थिति बहुत ख़राब ही हो जाती थी। यहाँ पे कोविड डेडिकेटेड बनाया गया, ये बहुत खुशी की बात है, क्षेत्र के लिए खुशी की बात। किस स्तर पे बनाया गया ये स्तर पर समझे? हम लोग के यहाँ ये 50 बेड की यहाँ पे बनाई गई है विधानसभा। हाँ, ये विधानसभा में नहीं, आप लोग को संज्ञान में, या मुझे खुशी भी हो रही है, ये कहते हुए गर्व भी हो रही है कि हमारे ये नेता का सहयोग है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का, जिन्होंने, आप लोग भी लगभग जानते होंगे कि पूरे बिहार में हर जगह कंटेनमेंट जोन बना है तो अनुमंडल स्तर पर बना है, लेकिन हमारा इमामगंज विधानसभा ही एक ऐसा है जहां हमारे इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर बना और करीब करीब विधानसभा के बीच में बना है। और जो जगह देख रहे हैं इतना हमारे पास सफिशियंट जगह है कि हम यहां पे कोविड पेशेंट को 100 को भी रख सकते हैं यहां पे, जिसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। जिस तरीके से इस महामारी में ऑक्सीजन की कमी मतलब देखी जा रही है, तो क्या कुछ लगता है कि इस क्षेत्र के लोग जो मतलब सांस तोड़ देते हैं जाते जाते NMCH वगैरह और इधर उधर, तो क्या उसे ये सुविधा दे पाएगा? यहाँ हर तरह की सुविधा मिल जाएगी,
हम लोगों ने और डीएम साहब के पहल पर 20 बेडेड ऑक्सीजन युक्त रहेगा और 30 बेड हमारा एम्स भी रहेगा। ज़रूरत पड़ने पर इसको और बढ़ाया जाएगा और जो कोविड में जो भी उपकरण की ज़रूरत होती है इलाज संबंधी वो सारे माने बहुत सारे यहाँ पे उपकरण आने वाले हैं। एक एक माने इस इलाके के लिए नमूना होगा जो कोविड से बचाने के लिए हम लोग इस पर बहुत ही असरदार ढंग से और प्रशासन के सहयोग से भी असरदार ढंग से इस पर काम हो रहा है। कितना दिन में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कब से ये चालू हो जाएगा? आप लोग को विगत शायद मालूम होगी कि आज ही डीएम साहब का आदेश निकला था, है ना। डीएम साहब ने खुद ही इसको पूरी अपने स्तर से संज्ञान लिए और ये लगभग आज आप लोग के सामने सारे पदाधिकारी, आप देखिए अनुमंडल पदाधिकारी सिरघाटी, डीएसपी, इमामगंज बीडीओ सीओ, डुमरिया बीडीओ सीओ, डुमरिया के हेल्थ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सब लोगों ने जिज्ञासा से और यहाँ पे इन लोगों निरीक्षण और हम लोग भी अपने माध्यम से निरीक्षण ये किए ताकि आम कोविड लोगों को, आप कोविड पेशेंट को कहीं कोई कठिनाई नहीं हो, हर सुलभ हम लोग दे सके। क्योंकि ये क्षेत्र माननीय जीतनराम मांझी जी का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में सबको इलाज मिले, सबको सुख शांति मिले, हम लोग यही कामना। कब से उम्मीद लगाई जाएगी ये कल से हम लोग का ये कोविड जो कोविड डेडिकेटेड जो अस्पताल जो बना है ये कल से हम लोग का चालू हो जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। वीरेंद्र कुमार दांगी, विधायक प्रतिनिधि इमाम। गया शहर के चांदचोरा मोहल्ले में स्थित जेपी मेमोरियल अस्पताल के डायरेक्टर राजेश रंजन की ये सेवा की भावना आखिर कहावत को सच में बदलती देखी गई। पृथ्वी पर कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, वास्तव में डॉक्टर भगवान का ही रूप होते हैं, इस कहावत को चरितार्थ किया है। बता दें कि इस कोरोना कोविड-19 के स्टेज 2 की महामारी में अच्छे अच्छे महान पुरुषों की कोरोना से जान चली गई, जिसके कारण अच्छे डॉक्टर भी इलाज करने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण मृत्यु का आंकड़ा लगातार भारत में बढ़ता गया और संक्रमण का एक भयावह रूप ले लिया, जिसकी वजह से ये लोगों में दहशत फैल गई। परिवार के सदस्य भी स्थिति में मरीज को छूने से कतराते रहे, जिन्हें सही इलाज नहीं मिल पाया, जिसके कारण मौत पर मौत होती गई। डॉक्टर राकेश रंजन बताते हैं कि कोरोना संक्रमित होने पर डरे नहीं, डटकर सामना करें, डॉक्टरों से सलाह लें और खुशी खुशी जीवन बिताएं। अगर आपको लगता है कि कोरोना संक्रमित हो गए हैं, मेरे इलाज नहीं हो पाएगी, तो आप डरे नहीं, आप हमारे जेपी मेमोरियल अस्पताल में बेझिझक आए और मैं आपका इलाज करूंगा और आपको बिल्कुल ठीक करूंगा। इस तरह दर्जनों मरीज को ठीक किया और लोग भर्ती भी हैं जो सेटिस्फाइड होकर इलाज करवा रहे हैं। साथ ही उन्होंने डॉक्टर साथियों से अपील किया है कि आप इस महामारी में आगे आएं और देश की जनता की सेवा करें, इससे बेहतर सेवा का मौका और क्या होगा। जब इस विकट स्थिति में देश के काम नहीं आए तो फिर हमारी डॉक्टरी बेकार है। उन्होंने जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल में कार्य कर रहे डॉक्टरों को समाज का असली सेवादार बताया जो इस प्रकार है। मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश रंजन, डॉक्टर चितरंजन शर्मा MBBS MD, डॉक्टर आरके वर्मा MBBS MD, डॉक्टर ऋषभ सोनी MBBS, डॉक्टर बिरबल कुमार BAMS का आभार व्यक्त करते हुए काफ़ी सराहना की बात कही कि कोरोना जैसी महामारी में लोगों का मिलकर इलाज कर रहे हैं और जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल हर क्षेत्र में आगे चल रहा है और भविष्य में भी आगे रहेगा। अभी पूरे भारत या बल्कि नहीं पूरे विश्व में कोरोना जैसी महामारी का स्थिति चल रही है, उस स्थिति में आपके तरफ से क्या सहयोग किया जा रहा है? प्रॉब्लम तो है, अभी जैसा सिचुएशन अभी हो रहा है पेशेंट के साथ, पेशेंट के अटेंडेंट्स परिवार के साथ और डॉक्टर और हॉस्पिटल के साथ जो स्ट्रगल और परेशानी हो रही है वो बहुत ज़्यादा दुखदायी। 24 आवर्स में से हम लोग हमारा 20 आवर वर्क किया जा रहा है पेशेंट के ऊपर। मेडिसिन, ऑक्सीजन, बेड कहीं भी खाली नहीं है, ऐसा में अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, मेडिसिन लेते रहें, लापरवाही अपने ज़िंदगी के साथ ना करें, ये रिक्वेस्ट रहेगा सारे। कोरोना पेशेंट को प्राथमिकता उपचार क्या, सबसे पहले प्राथमिक उपचार क्या रहेगी? प्राथमिक उपचार ये है, अगर हल्का फुल्का भी उनके बॉडी में वैसा फील हो, हम कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, जैसे फीवर, कफ और ये सिम्टम्स जो आते हैं, उसकी वजह से पेशेंट कोविड पॉजिटिव फील करते हैं कि हाँ वैसे हो रहे हैं,
वैसे डायरेक्ट किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, उससे राय मशवरा लें और कुछ ब्लड टेस्ट सैंपल ये सब करवाएं। बहुत सारे वो सेटिस्फाई हो सके, कोविड है पॉजिटिव है या फिर नॉर्मल, अगर नॉर्मल है वो जनरल मेडिसिन पे 4-5 दिन के अंदर वो ठीक हो जाए, और अगर हॉस्पिटलाइज होने का है इसके लिए उनको सावधानी बहुत ज़्यादा बरतना होगा। बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट हैं जो कोरोना को लेकर के सहमे हुए, डरे हुए हैं, वो जांच नहीं कराना चाह रहे हैं, तो उस स्थिति में उन लोगों नहीं ये गलत है, वो टेस्ट करवाएं, सारा जगह इसका टेस्ट हो रहा है और करवा लेना अच्छी बात है, इसको लापरवाही कहेंगे। अगर आप डर से समाज के वजह से अगर ये जांच नहीं करवाएंगे तो हो सकता है ऐसा कंडीशन धीरे धीरे आ जाएगा कि वो डेथ में भी रूप बदल सकता है। कोरोना पेशेंट का क्या लक्षण आ रही है? कोविड पेशेंट का लक्षण ये है कि बस सांस लेने में गला में दर्द, सांस फूलना, फीवर कंटिन्यू का, और बस वही रेस्टलेस कंडीशन, बेचैनी। ज़्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं हम लोग के पास उनका यही कंप्लेन है कि सर सांस लेने में बहुत कठिनाई, जो नॉर्मल रेशियो ऑक्सीजन का 95-100 होना चाहिए, पेशेंट का जो भी एडमिट हो रहे हैं 70-50-65 ये रेशियो लेके आ रहे हैं, पेशेंट में थोड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है देने में भी और पेशेंट को रिकवरी लेने में भी बहुत समय लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, कहीं से भी जुगाड़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन मेडिसिन हम लोग और तक गया से मंगवा के पेशेंट को मुहैया कर रहे हैं। आप अपने JPM हॉस्पिटल के तरफ से जनता लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश यही रहेगा कि गयावासियों सारे आप लोग थोड़ा अलर्ट हो जाइए, ये बीमारी जितना फास्ट रिकवरी लेने में समय ले रहा है उससे ज़्यादा ये डेथ की ओर मुड़ रहा है। यहाँ पे आज आपके पिताजी आए थे 7 दिन पहले पूर्व, क्या फीलिंग थी उस वक्त और अभी क्या स्थिति है? बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हैं, जब हम आए थे तो हमें तो भरोसा ही था कि हम अपने पापा को बचा पाएंगे, लेकिन JP में इतना सपोर्ट मिला, परमानेंट स्टाफ मेरे पापा के साथ है, आज तक सपोर्ट कर रहे हैं, मैं तो घर जाने के लिए भी नहीं सोच रहा, मेरे को तो लग रहा है यहीं रह जाना चाहिए, बट ये लोग बोल रहे हैं कि ले जाइए, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है मुझे। JP इज बेस्ट। विकास, कोरोना काल के इस संकट में कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में जरूरी विस्तार किया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर श्री नीलेश क्षीरसागर के मार्गदर्शन में जिले को 2 नए एम्बुलेंस और मिले हैं, साथ ही सांस लेने की दिक्कत से जूझ रहे मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड की सुविधा का विस्तार किया। जिले में अब 90 ऑक्सीजन युक्त बेड हो गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NR नवरतन ने बताया कि जिला प्रशासन की पहल से जिले को 2 नए एम्बुलेंस प्राप्त हुए हैं, जिससे मरीजों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इसी तरह ऑक्सीजन बेड की संख्या को भी विस्तारित किया गया है। अब डेडिकेटेड हॉस्पिटल लाइवलीहुड कॉलेज में 50 बिस्तर ऑक्सीजन युक्त हो गए हैं, वहीं कोविड केयर सेंटर पॉलिटेक्निक में 30 बिस्तर को सेंट्रल लाइन ऑक्सीजन से जोड़ा गया। जिला चिकित्सालय में 10 बिस्तर को ऑक्सीजन युक्त बनाया गया है। डॉक्टर नवरतन ने बताया कि जिले में अब मरीजों को कोविड-19 से संबंधित लगभग सभी सुविधाएं मिलेंगी। अभी 5 वेंटिलेटर के लिए भी प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि 5 ICU बेड की भी सुविधा का विस्तार किया जाएगा। ज्ञात है कि जिले में रविवार को 364 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। अभी तक कुल 76% अर्थात 11,322 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि वर्तमान में 3,528 एक्टिव केस हैं, जिनका होम आइसोलेशन और कोविड हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मैनपुरी जिले में हुए जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, BDC पदों के चुनाव के बाद मतों की गिनती के लिए नेशनल महाविद्यालय में मतों की गिनती की गई, जिसमें जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और BDC के प्रत्याशी चुनाव जीते। उनके चेहरे पर खुशी देखी गई और जिनको इस बार हार का मुंह देखना पड़ा, प्रत्याशी मुंह लटकाकर मायूस नजर आए। भोगांव जिला पंचायत की वार्ड संख्या 9 से भाजपा समर्थित सपना वर्मा ने 7,658 मत प्राप्त करते हुए निर्दलीय सीमा वर्मा को 1,453 मतों से पराजित किया। सीमा ने 6,205 प्राप्त किए।
जबकि यहां से एक अन्य निर्दलीय राजेश्वरी देवी 3,915 मत प्राप्त करने के बाद भी तीसरे स्थान पर रही। वार्ड नंबर 10 में 4,952 वोट पाकर उजागर सिंह विजय घोषित किए गए। उन्होंने मानवेंद्र को 1,065 मतों से हराया। मानवेंद्र सिंह को 3,837 मत प्राप्त हुए। यहां पर तीसरे नंबर पर जितेंद्र सिंह रहे, जबकि वार्ड नंबर 11 से भाजपा के जितेंद्र सिंह राजपूत ने 5,123 मतों को प्राप्त करते हुए निर्दलीय ऋषि यादव व उमेश चंद्र को मात दी। ऋषि यादव व उमेश चंद्र को बराबर 4,485 मत प्राप्त हुए। यहां से बसपा समर्थित ओमबीर सिंह को 4,095 वोट मिले, जबकि सपा समर्थित अभिलाष सिंह लोधी चौथे स्थान पर रहे। वहीं नगला वन निवासी भाजपा के वरिष्ठ नेता महराज सिंह लोधी ने वार्ड नंबर 12 से विजय श्री प्राप्त की। उन्होंने राम सिंह को 1,048 मतों से हराया। कुल मिलाकर विकासखंड सुल्तानगंज में भाजपा ने अपना परचम लहराया। सपा के अभिलाष सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख के साथ भाजपा के कभी प्रमुख नेता रह चुके हैं और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के रूप में भोगाम विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। वहीं युवा सपा नेता विश्व विमोहन सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा है। सुल्तानगंज से भाजपा की तरह सपा ने तीन लोधी जाति के प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया था। ग्राम पंचायत गरिया गोविंदपुर, हमारी पत्नी सावित्री देवी 104 वोटों से विजयी हुई है। विपक्षी के 328 वोट पड़े हैं, सावित्री देवी के 432 वोट। क्या नाम है? कृष्णा कुमार। कौन सी ग्राम पंचायत से आप जीती हैं? ग्राम पार्क, ग्राम सभा पार्क। कितने आपके वोट हैं? 357। विपक्षी आपके कौन थे? मनोज कुमार। उनके कितने वोट निकले हैं? 194। आप कितने वोटों से विजयी रही हैं? 194। क्या नाम है आपका? मदन राज कुमार। ग्राम पंचायत कौन सी है? उस्मानपुर। कितने वोटों से जीते? 305। विरोधी प्रत्याशी कौन थे? राजीव कुमार। कितने वोट है उनके? 301। आपकी जीत कितने वोटों से हुई? कौन सी ग्राम पंचायत आपकी है? कितने क्या नाम है आपका? कितने वोट आपको मिले? 450। विपक्षी को आपके कितने वोट मिले? क्या नाम है उनका? और कितने वोटों से जीत हुई आपकी? कौन सा ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत देवीपुर। आपके कितने वोट आपको मिले? मुझे 741 वोट। 729। 741। 741 वोट जनता ने दिए। और आपके विपक्षी को कितने वोट मिले? क्या नाम है? 490। विपक्षी को 493 वोट मिले हैं। क्या नाम है? कर्णवीर सिंह। अच्छा, तो आपको कितने वोटों से भेजे हुए? 241 वोट से। जो आपके आप ये शायद दूसरी बार प्रधान? मैं दूसरी बार जनता ने मुझे चुना, दूसरी बार प्रधान जनता ने चुना। जनता के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। आपकी कौन सी ग्राम पंचायत है? क्या नाम है आपका? आपको कितने वोट मिले हैं? 372। विपक्षी आपके कौन थे? उनको कितने वोट मिले हैं? अब आप जीत गई हैं तो अपने ग्राम पंचायत वासियों के लिए क्या करेंगे, क्या विकास कार्य कराएंगे? आपकी कौन सी ग्राम पंचायत थी? ग्राम पंचायत वालीखेड़ा। आपका क्या नाम है? कितने वोट आपको मिले हैं? मनोज कुमार यादव नाम है हमारा। कितने वोट मिले? 935 वोट मिले हैं। आपके विपक्षी कौन है? धनवेश यादव। उनको कितना वोट मिला? 550। आपके कितने वोटों से जीत रही? 212 वोट से। नीलेश कुमार, आप प्रधान चुनाव के लिए जो आप लड़ रहे थे, कितने वोटों से जीते हो? कौन सी ग्राम सभा है आपकी? ग्राम सभा इटौरा है और 334 वोट से जीता। ये तो ब्लॉक में पहली जीत हुई है सर। जी जी। अच्छा, ये बताइए, आप जीत चुके हैं तो क्या क्या विकास की उम्मीद है और इस जीत का श्रेय किसको देंगे? जीत का श्रेय जनता को देंगे। जनता के प्रति अच्छे लगाव से काम करेंगे। अगर बात करें विकास की तो किस तरह का विकास कराएंगे? विकास तो जितना भी होगा वो बढ़िया से बढ़िया ही करेंगे अपने गांव के लिए। जो भी होगा, जैसा भी होगा, पूरे दम खम के साथ पूरे गांव का विकास उस तरीका से करेंगे जो लोग यादगार बनाएंगे। जब हमारी जीती इतने सरकारी योजना के अलावा कोई अन्य लाभ भी दिलवाने का काम करेंगे क्या? सर, जो भी लाभ होगा वो सब देने के उस,
पे रहेंगे। बहुत से प्रधान बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं शादी विवाह में, तो लड़कियों के प्रति जो गरीब कन्याएं होती हैं उनके प्रति क्या करेंगे? वो तो सर मैं पहले से ही कर रहा हूँ, इसलिए उसका तो वो प्रणाम मिला है मुझे और इससे ज्यादा भी करेंगे। यहाँ पर सर आपने पूरे जनपद में देखा कहीं कोई खामियां मिली सर? जी, जो जहाँ तक हम गए हैं मतगणना सुचारू रूप से जारी है और सभी लोग बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। आज मतगणना का परिणाम आ जाएगा जी, उसके बाद अभी तक जहाँ तक देखे हैं सभी जगह सही नहीं चल रहा। अच्छा सर, कितने समय तक खुलने का इसका मतलब खुल सकती है? तो जैसे अभी एक पाली में होगी फिर दूसरी पाली चालू होगी, जब ये खत्म हो जाएगा तब जैसे नियमानुसार जो रियायत करते चले जाएंगे। अभी तक ऐसी कहीं से कोई शिकायत नहीं हुई। अगर प्रमाण पत्र की बात की जाए सर, तो जिला पंचायत वालों को कहाँ से प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा? ये जिला प्रशासन हमारा, हम ये देखने के लिए आए हैं कि निष्पक्ष रूप से और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है, तो जहाँ तक हमने देखा ठीक है। विकासखंड मांधाता क्षेत्र के पूरे बसावन से दमदार प्रत्याशी गब्बर पारसी अपने प्रतिद्वंदी को 310 वोटों से हराकर एक नया इतिहास कायम कर गए। गब्बर पारसी कर्मशील, जुझारू, न्यायहित में कार्य करने वाले शांत स्वभाव के प्रत्याशी हैं। चुनाव जीतने के बाद जनसंपर्क करने निकले प्रधान गब्बर पारसी सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत आभार जताते नजर आए। इस दौरान सहयोगी गोपी यादव, बालेंद्र प्रताप सिंह, अभिनव पांडे, राकेश प्रताप सिंह, राजीव सिंह, रजनीकांत पांडे आदि क्षेत्रवासी मौजूद रहे। किस तरह से जनता का विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले मैं ग्राम सभा के सभी सम्मानित जनता और सहयोगियों को तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जी, अब प्रधान जी, अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप के कौन कौन से विकास के मुद्दे प्राथमिक होंगे? सबसे पहले आप विकास के कौन से कार्य करेंगे? शासन के द्वारा संचालित सभी योजनाओं को आम जन मानस तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। जी, तीसरा सवाल है प्रधान जी कि चुनाव जीतने के लिए निश्चित ही आपने बहुत संघर्ष किया, आप अपने जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? ई चैनल के माध्यम से सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ। जी, लगभग 30 वर्ष बाद बदलाव हुआ है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे बाकी की खबरों के साथ। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े, महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क, काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हरा कर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क, मास्क, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ, हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाए, देश को आत्मनिर्भर बनाए। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आइए रुक करते हैं बाकी की खबरों की ओर। अगली खबर की ओर रुक कर लेते हैं, अगली खबर झारखंड के गुमला से। एक और सरकार विलुप्त तो हो रही आदिम जनजाति समुदाय को संरक्षण देने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का दावा करते नहीं थकती, वहीं दूसरी ओर आदिम जनजाति समुदाय के लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजना से आज भी कोसों दूर रखा गया है। जहां ना ही पीने का पानी है, प्रशासन के द्वारा पानी की टैंकी बना दी गई है लेकिन हाथी का दांत प्रतीत होती है, इसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा। पीने का पानी की जुगाड़ में 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। शौचालय की बात करें तो पूरे जिले को शौच से मुक्त घोषित किया है, वहीं दूसरी ओर गांव के लोग आज भी खुले में शौच जाने के लिए विवश हैं।
उजाले की माने तो शहर और गांव को अंधेरा से मुक्ति दिलाने के लिए बिजली की व्यवस्था युद्ध स्तर पर गली, गांव और शहर में सरकार ने की है, लेकिन गांव के लोगों को आज तक बिजली की सुविधा नहीं मिली है। बिजली देने की बात कही जाए तो लेकिन कागजात पर ही पूर्ण हो गई, लेकिन शहर से सटे तेतर डीपा गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंची है। आवास योजना के तहत किसी को पक्का मकान भी नहीं मिला। पूर्व में बिरसा आवास मिला भी है तो आधे अधूरे। शिक्षा की बात की जाए तो गांव में स्कूल भवन का निर्माण भी हुआ, लेकिन वर्षों बीत चुके हैं, आज तक स्कूल नहीं बना। जहां एक ओर सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने की कवायद कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गांव के बच्चों को स्कूल नहीं रहने के कारण शिक्षा का स्तर घट गया है, जिससे आज भी गाँव के लोग और बच्चे कवायद की जिंदगी जीने को मजबूर है। पानी देने हाँ, और पानी नहीं मिलता है, इसलिए नीचे आना पड़ता है पानी देने के लिए। और नीचे कुआं गाड़ी खड़ा हुआ, वहाँ का पानी खराब है, तो वहाँ कुआं लेने आते हैं पानी। ऊपर पानी नहीं आता है तुम लोग को? नहीं आता है। तो वहाँ पर टंकी बना हुआ है? नहीं आता है टंकी, तो यहाँ नीचे लेने आते हैं। काफी दिक्कत हो रहा होगा? जी सर। क्या नाम है? मंजू कुमारी। वहीं पेट की भूख और आग बुझाने की ललक में आदिम जनजाति समुदाय के लोग 20 किलोमीटर दूरी तय कर राशन लाते हैं। इधर केंद्र और राज्य की सरकार विलुप्त हो रही जाति के संरक्षण की बात कर सभी सुविधा पहुंचानी है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने विशेष सुविधा के तहत डाकिया योजना भी चलाया है, जिसमें आदिम जनजाति के लोगों को घर तक पहुंचाकर राशन को देना होगा। लेकिन विडंबना ये है कि प्रशासन और डीलर की मनमानी के कारण डाकिया योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे लोगों को डाकिया योजना का लाभ नहीं मिलता नजर आया। वहीं सरकार के द्वारा जारी आदेश को ताक पर रखकर राशन डीलर राशन देते हैं। सुविधा नहीं है और बिजली का पढ़ाई लिखाई करने के लिए कुछ सुविधा भी नहीं है, बिजली लाइट सब नहीं है, फिर शौचालय भी नहीं है। शौचालय के लिए हम लोग बाहर जाते हैं और कभी कभी रात में बाहर जाते हैं तो जंगली जानवर सब की उसका भी डर रहता है, इसलिए फिर राशन भी नहीं राशन मिलता है। पर 25-30 किलोमीटर जाना पड़ता है लाने के लिए। फिर टंकी है गांव में, पर अच्छा नहीं, अच्छा से है पर उसमें अच्छा से पानी नहीं आता है। धूप होने पर पानी आता है, फिर कभी आबे नहीं करता, इसलिए हम लोग नीचे कुआं से पानी लाते हैं। कितना दूर जाके पानी लाती है? 1 किलोमीटर पानी लाने जाते हैं, गड्ढा से लाते हैं, वहाँ कुआं से घर लाते हैं। फिर यहाँ गाँव में तो स्कूल बना है पर पूरा नहीं हुआ है इसमें का स्कूल। और यहाँ पे वही सुविधा नहीं है, बिजली पानी यही सब का प्रॉब्लम है ज्यादा। शौचालय नहीं। ताजा मामला शहर से सटे लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घटगांव पंचायत के तेतर डीपा गांव की ये पूरा मामला है, जहां विलुप्त हो रही आदिम जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं। आदिम जनजाति के लोग लगभग 15 से 25 परिवार रहते हैं, जिसमें परिवार की कुल संख्या लगभग 100 से 150 की है, जहां पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से विलुप्त आदिम जनजाति के बीच सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से आज भी आदिम जनजाति समुदाय के लोग वंचित हैं। हालांकि आदिम जनजाति समुदाय के लोग रोष प्रकट कर रहे हैं, प्रशासन की अनदेखी और उदासीनता को लेकर बताया कि वर्षों बीत गए हैं, आजाद हुए देश को कई दशक बीत गए हैं, लेकिन किसी ने अब तक सुध नहीं ली। हम किस हाल में जी रहे हैं, इसका सुध किसी ने भी नहीं ली। लोगों ने यह भी कहा कि प्रशासन के लोग आते भी हैं लेकिन खाना पूर्ति कर जाते हैं, लाभ देने की बात तो दूर है, उससे पहले हमसे ही योजना के नाम पर रुपया ऐंठ लिया जाता है। राशन भी नहीं पहुंचता है, हम लोग को राशन लाने के लिए जाने पड़ता है 30 किलोमीटर लगभग। और यहाँ कच्चे आवास है, मिट्टी का पक्का करनी है और नीचे कुआं से पानी लाना पड़ता है बहुत चढ़ाई से। समस्या है जी, यहाँ बहुत काफी समस्या है। अधिकारी लोग आए थे यहाँ पे? जी आए थे, लेकिन कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए, बस लिख के लेते हैं। और बिजली का क्या स्थिति है? बिजली है यहाँ? बिजली यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं, लाइट भी नहीं है, रोड सब कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है जी, नहीं। पढ़ाई लिखाई कैसे हो रहा है? पढ़ाई चल रहा है, जैसे भी सुखासल बैटरा सब से लगा के लाइट बार के पढ़ते हैं जैसे भी। अच्छा, बताओ तुम्हें शौचालय में क्या प्रॉब्लम है, शौचालय की क्या दिक्कत हो रही है? शौचालय भी नहीं बना है, आए थे फिर लिख के ले गए पर भी नहीं देते हैं। और यहाँ रात को खुले स्थान में जाना पड़ता है शौचालय करने के लिए, और बहुत डर भी लगता है, कहे कि जंगली जानवर सब भी रात को आता है, सांप सांप जो भी लड़का सब
डर रहता है बहुत, और खुले स्थान में जाना पड़ता है तो क्या कर सकते। मांग ये कर रहे कि जो जो सुविधा है सरकार से वो दे दे। इधर गांव की समस्या की सूचना पर शहर के वरिष्ठ नागरिक सह सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार और मिशन बदलाव टीम के प्रेम कश्यप ने गांव का दौरा किया, लोगों से मिलकर हालचाल पूछा और गांव की समस्या से रूबरू हुए, जिसके बाद गांव का भ्रमण कर गांव का जायजा लिया। इस कड़ी में संतोष कुमार ने सरकार और प्रशासन को आड़े हाथों लिया और कहा कि गांव में आज तक सरकार की कल्याणकारी योजना नहीं पहुंची है, यह प्रशासन की लापरवाही है। गांव में समस्या का अंबार लगा है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण आदिम जनजाति के लोग विकास की धारा से कोसों दूर हैं। सरकार और प्रशासन विकास के दावे करती है, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो विकास कागज पर भी नहीं होने की बात कही, जिससे लोग आज भी कवायद की जीवन जीने को मजबूर है। वहीं प्रेम कश्यप ने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है और कहा है कि विलुप्त हो रही आदिम जनजाति के लोग हैं और विकास से कोसों दूर हैं। जल्द से जल्द गांव का विकास करने की बात कही, नहीं तो आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। ये तेतर टीपा गांव जो है, इस गांव में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। इसके अलावा सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं से भी यहाँ के ग्रामीण आच्छादित नहीं हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ सरकार विकास की बात करती है, वहीं सुदूरवर्ती गांव के ग्रामीण विकास योजनाओं से बिल्कुल महरूम हो जाते हैं। इस गांव में सरकार द्वारा जो वनाधिकार अधिनियम को लागू किया गया है, इस योजना से वैसे लाभ, वैसे लोग, वैसे ग्रामीण जो जिनके पूर्वज तीन पीढ़ी से वन भूमि पर खेती कर रहे हैं, वैसे लोगों को वन भूमि का पट्टा देना है। इस गांव में आने के बाद यह दिखता है कि यहां भी काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं और काफ़ी कई वर्षों से वन भूमि पर खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन इस पर भी कोई कार्य इस गाँव में नहीं हुआ है। प्रशासनिक उदासीनता की बात है, प्रशासन जो है सो ऐसे गांवों को बिल्कुल छोड़ दिया है, या इन गांवों पर कोई विकास के लिए किसी प्रकार की रुचि नहीं है उनमें। सरकार केवल यह दिखाता है कि सड़क के किनारे जो है सो भवन बना दो, विकास के कुछ काम कर दो, और उसको मॉडल के रूप में जो है सो 100 पीस बना दिया जाता है, जबकि जो सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ वाकई विकास होना चाहिए, वो सब गाँव इन सब से अछूते रह जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। यहाँ तो कागज पर भी योजनाएँ नहीं हैं, यहाँ तो कहीं योजना नहीं दिख रही है, सिर्फ यहाँ लोग हैं, टूटी फूटी झोपड़ियाँ हैं, है ना, पगडंडियाँ हैं, पानी की ना सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है, ना किसी और प्रकार की सुविधा है। शौचालय खुले में शौच से मुक्त करने की बात कही जाती है, वो भी यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ जो बच्चियाँ हैं जो स्कूलों में पढ़ती हैं, आवासीय विद्यालय में पढ़ती हैं, उनको कोई स्कूल में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब गाँव आती हैं तो उनको दिक्कत होती है, उनको खुले में शौच ले जाना पड़ता है, इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य की बात हो सकती है। जब आदिम जनजाति के गांव की जानकारी जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा को दी गई, तो उन्होंने एक टीम का गठन करके गांव की भौगोलिक स्थिति की जांच कर गांव के विकास करने की बात कही, लेकिन जिले के उपायुक्त कई बार बोल चुके हैं, लेकिन गांव का विकास आज तक नहीं हुआ। निर्देश दिया गया है कि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे सभी टोलों, मोहल्लों एवं गांव में जहां पानी की सुविधा नहीं है या जहां पहले से चापाकल है, किसी प्रकार की खराबी आ गई है, उसका सर्वे करके सभी जगहों पर पानी की व्यवस्था कर दें ताकि सभी लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध हो जाए। सर, डाकिया योजना, डाकिया योजना की शुरुआत की गई थी कि आदिम जनजातियों के घर पर ही खाद्यान्न को पहुँचाना है, और हम लोगों को सूचना है कि सबों को मिल रहा है, आपके द्वारा बताया जा रहा है कि नहीं मिल रहा, तो इसको हम लोग दिख पाएंगे, DSO को बोल के उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हम करेंगे। बहरहाल जो भी हो, शहर से सटे गांव में विकास नहीं पहुंचना ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ विकास के नाम पर सरकारी रुपया का बंदरबांट किया जाना, अधिकारी और बिचौलियों की मिली भगत से जब शहर में विकास नहीं है तो सुदूरवर्ती गांव विकास की धार कैसे पहुंचेगी, ये शासन और सुशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सरकार को गंभीरता से गांव की समस्या पर पहल करने की जरूरत है। खबर साहिबगंज से है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त रामनिवास यादव ने साहिबगंज सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। ICU,
वायरोलॉजिकल लैब को देखा। डीसी ने अस्पताल में 50 बेड वाले ऑक्सीजन पाइपलाइन की तैयारी के बारे में जानकारी ली। उपायुक्त रामनिवास यादव ने कहा कि जरूरत पड़ने पर 50 से 70 बेड भी किए जा सकते हैं। उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई पर ध्यान देने एंड टीके की भी जानकारी ली। सदर हॉस्पिटल में पाइपलाइन सपोर्टेड ऑक्सीजन बेड्स का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसका पाइपलाइन का काम अभी चल रहा है। टोटल यहाँ 50 पॉइंट्स ये लोग देंगे। साथ ही साथ जो मैनिफोल्ड है उसका जगह देखने के लिए अभी हम लोग आए हैं। और क्योंकि आप लोग को पता है, मैंने पहले भी ब्रीफ किया है, एक PSA प्लांट 50 बेड के लिए ऑलरेडी हमने 19 अप्रैल को ही ऑर्डर किया हुआ था। मोस्ट प्रोबेबली आगे 4-5 दिन में जिला में पहुँच रहा है, तो उसको भी इंस्टॉल करेंगे हम लोग और मैनिफोल्ड से भी सपोर्ट देंगे। तो उसी का जगह हम लोग देखने के लिए शेर साहब के साथ आए थे, जहाँ की आगे भी फ्यूचर में भी वो जगह सेफ रहे और वो जो प्लांट है वो फ्यूचर में भी यूज होता रहे। ऐसा नहीं होगी अभी कोरोना के समय लगा दिया है और बाद में कोई उसको ध्यान नहीं देता। उसी को आगे फ्यूचर को देखते हुए हम लोगों ने जगह चिन्हित की है हॉस्पिटल के पीछे, जहाँ से किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। उस ऑक्सीजन प्लांट का कैपेसिटी क्या होगा? इसका कैपेसिटी 500 से लेकर 1000 लीटर पर मिनट का है, LPM का है। और वैसे तो ये 70-80 बेड तक आपको सपोर्ट दे सकता है, परंतु हम लोगों ने अभी यहाँ पे क्योंकि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हाई फ्लो के साथ ऑक्सीजन का यूज़ हम लोग करेंगे, जैसे कि HNFC, आपको मैंने पहले भी ब्रीफ किया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे केवल 50 बेड पे ही इसको सपोर्ट के लिए रख रहे हैं। अगली खबर भी साहिबगंज से है। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राजकुमार की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सह भाजपा किसान मोर्चा के प्रभारी भूपेंद्र यादव उपस्थित रहे। वहीं नवनियुक्त भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव अपने निवास भरतिया कॉलोनी में ऑनलाइन राष्ट्रीय स्तर की बैठक में शामिल हुए। बजरंगी प्रसाद यादव ने कहा कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की प्रथम कोविड बैठक में किसानों मजदूर भाइयों के फसल का उचित दाम के साथ योजनाओं से संबंधित प्रत्येक किसान को लाभ दिलाने के लिए गांव स्तर तक पहुंचकर पार्टी का काम करेंगे। श्री यादव ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं भाजपा का सिपाही बनकर पार्टी के प्रति निष्ठापूर्वक ईमानदारी और विश्वास के साथ किसानों का हक दिलाने का काम करेंगे। किसानों का आंदोलन हो या पिछड़ा संघर्ष मोर्चा की जो बात हुई, तो उस आंदोलन से जुड़े रहे और खास करके बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल और हैदराबाद हाल के चुनाव में मैं कार्य किया है। और अभी जो माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो जिम्मेवारी मिली है एक मंत्री के पद के लिए और जो निर्देश होगा, चूंकि अभी देश में COVID-19 का जो चल रहा है इससे निश्चित तौर पर ज़्यादातर किसान लोग प्रभावित हैं, तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा और जो भी गाइडलाइन सरकार का है उसके अनुसार हम निश्चित तौर पर काम करेंगे जो भी जिम्मेवारी मिलती है। नमस्कार। गया जिला के इमामगंज प्रखंड के बीकोपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि छोटन खान पंचायत की जनता के साथ हमेशा सुख दुख में खड़े रहते हैं। बता दें कि कोरोना की दूसरी स्टेज का भयावह रूप में कोई भी रिश्तेदार परिवार एक दूसरे से मिलने को तैयार नहीं है। अपने ही परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब होने पर कोरोना संक्रमण के संदेह के कारण उसे छूने को तैयार नहीं। लोगों के पास पैसा, पैरवी, शोहरत सब कुछ होते हुए भी कोरोना के प्रकोप से अपने रिश्तेदार, परिवार, बेटे, बाप, माँ बहन की जान नहीं बचा पा रहे। इस महामारी के लोगों में ऐसी दहशत हो गई है कि वे खुद से अब कोरोना गाइडलाइन का पालन करते दिख रहे हैं। वहीं इस महामारी को दरकिनार करते हुए जान की परवाह किए बिना इमामगंज प्रखंड के बीकोपुर मुखिया प्रतिनिधि छोटन खान बीकोपुर पंचायत की जनता की सेवा में लगे हैं। पंचायत वासियों को सुरक्षित रखने के लिए लगातार पंचायत के एक एक घर, गली, मोहल्लों को सैनिटाइज कर रहे हैं और लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी जा रही है और महामारी के प्रकोप से सुरक्षित रहने के लिए लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस संकट में मैं जनता के साथ खड़ा हूं, जब जनता की विकट परिस्थिति में मदद नहीं करेंगे तो फिर कब। मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा हूं और जनता के बीच रहकर सेवा करना ही मेरी इबादत है।
जिसके लिए मैं कभी कसर नहीं छोड़ता हूँ। हमेशा बीकापुर जनता के साथ में खड़ा हूँ। इस विकट स्थिति में भी सभी इमामगंज प्रखंड के विभिन्न पंचायत के प्रतिनिधियों व समाज सेवियों से अपील करता हूँ कि आप सभी जनता की सेवा के लिए आगे आएं और जिस प्रकार से भी आपसे जनहित में जो हो सके बढ़ चढ़ कर भाग लें, यही असली इबादत है। इस मौके पर बीकापुर पंचायत के कई समाज सेवी व पंचायत के शुभचिंतक मुखिया के द्वारा किए जा रहे सैनिटाइज को काफी सराहते हुए हाथ भी बटा रहे हैं। बड़ी गंदा धुआं बाप। कोविड 19 नियमों व प्रोटोकॉल को दरकिनार कर इंसान ही इंसान को मौत का कोरोना बांट रहा है। चकेरी फल सब्जी मंडी में कोविड व नियम तार तार कर सारे नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। बिन मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना हजारों लोग आम दिनों की तरह चकेरी में भेदड़क सब्जी मंडी पहुंचे। आपको बता दें कानपुर में कोरोना काफी है। कानपुर में कोरोना से रिकॉर्ड किया 57 की मौत हुई है जबकि 1274 नए केस हैं। फिर भी सब्जी मंडी वालों में और खरीदारों में कोरोना का भय नजर नहीं आ रहा, जिस पर प्रशासन भी मौन नजर आए तो वहीं टेम्पो व ई रिक्शा चालकों के आगे भी पुलिस प्रशासन नतमस्तक व असहाय नजर आया। टेम्पो व ई रिक्शा चालक ठूस ठूस कर साधारण दिनों की तरह ही सवारी भरते नजर आए। कोरोना नियमों को न मानने वाले बेधड़क सब्जी फल विक्रेता क्रेता के आगे चकेरी में पुलिस कमिश्नरी पूरी तरह से ध्वस्त नजर आया। न्यूज के लिए कानपुर से तुषार मिश्रा की रिपोर्ट। मैनपुरी ब्लॉक में मतगणना में सपा विधायक राजकुमार यादव की पत्नी को हराकर जर्मन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे, जिस पर राजकुमार विधायक ने आरोप लगाया उनकी पत्नी को हराया गया। मतगणना में जीते हुए प्रत्याशी वन्ना यादव को हराकर जर्मन यादव को विजय किया गया है। इसके बाद पुनः 3 तारीख की रात्रि रिकाउंटिंग की गई, जिसमें वन्ना यादव को जीत दिया गया। उसके बाद जर्मन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी ने कहा, मैं जीता हुआ प्रत्याशी को कैसे हरा दिया गया, जिसके प्रदीप चौहान ने रिकाउंटिंग के लिए जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह से कलेक्ट्रेट पर हंगामा काटा, जिस पर मतगणना स्थल पर लगे कर्मचारी के ऊपर फर्जीवाड़े का आरोप लगाने पर प्रदीप चौहान ने फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने दोबारा रिकाउंटिंग का आदेश दिया। वार्ड संख्या 28 में जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के आदेश पर दोबारा रिकाउंटिंग अपनी देखरेख में कराई जा रही है। देखना ये होगा, जर्मन सिंह को अपनी जीत पर पूरा भरोसा है कि वह सही और निष्पक्ष उनकी जीत हुई है। देखना ये होगा रिकाउंटिंग में क्या नतीजे निकल कर सामने आते हैं। इतना परेशान विधायक थोड़ी हो जाएगा भाई। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, जो जीते वो हारे, लेकिन व्यवस्था पे प्रश्न न लगे। आखिर ये मोहम्मद सऊद जो कि प्रधान और सदस्य का रिटर्निंग अफसर था, उसने हस्तक्षेप क्यों किया जिला पंचायत के मतगणना में? उसके पूरे कंडक्ट पे डाउट है, उसके पूरे व्यवहार पे डाउट है। जिलाधिकारी और रिटर्निंग अफसर एडीएम से कहा है भाई, कोई प्रत्याशी जीते हारे हमारा कोई लेना देना नहीं, व्यवस्था पे प्रश्न लगेगा, जीता हुआ हराया जाएगा। और किसी सत्ता वो जो प्रभावशाली विधायक हो, जो यहाँ से 10 साल से विधायक हो, उसके दबाव में, तो लोकतंत्र की हत्या है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मतगणना की अगर किसी प्रत्याशी ने मांग की है तो हम लोग उसका समर्थन करते हैं। इसमें परेशान होने कोई बात नहीं थी। आपसे बात जब हो गई तो मीडिया में आवश्यक बात क्यों कह रहे हैं? मीडिया आपसे सब सारी बात हो गई जो ठीक है। जिलाधिकारी महोदय, आरओ महोदय, जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो विधि सम्मत है, उस पर करने के लिए सहमत है, हम उसके लिए प्रतीक्षा। गरियाबंद जिले में अवैध कारोबारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, जिससे जिले में लगातार अभियान चलाकर हीरा तस्करों, अवैध शराब बिक्री, गांजा विक्रेता एवं जुआ सट्टेबाजों पर नकेल कसी है। गरियाबंद जिले में पहली बार 440 नग हीरा कीमती लगभग 50,000 रुपए 2 आरोपी हीरा तस्करों से जब्त कर कार्रवाई की गई है। पूर्व में 7 प्रकरणों में 672 नग हीरा जब्त कर आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्री भोज राम पटेल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति बहुमूल्य हीरा अपने पास रखकर सफेद रंग के होंडा एक्टिवा में छुरा फिंगेश्वर मार्ग होते हुए रायपुर की ओर जा रहे हैं।
मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी फिंगेश्वर के नेतृत्व में टीम गठित कर नाकाबंदी प्वाइंट लगाने के निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी फिंगेश्वर उप निरीक्षक भूषण चंद्राकर द्वारा बोरिद चेक के पास नाकाबंदी प्वाइंट लगाया गया और छुरा की तरफ से आने वाली वाहनों को सघनता से चेक किया गया। चेकिंग के दौरान होंडा एक्टिवा में सवार दो व्यक्ति पुलिस को देखकर हड़बड़ा गए और भागने लगे, जिसे सजगता से घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए दोनों व्यक्ति की तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से 440 नग हीरा मिला। आरोपियों से पूछताछ करने पर कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए, जिस पर आरोपियों के विरुद्ध थाना फिंगेश्वर में अपराध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से प्राप्त 440 नग हीरा प्रयुक्त दोपहिया वाहन एवं मोबाइल को जब्त किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी फिंगेश्वर, उप निरीक्षक भूषण चंद्राकर, प्रधान आरक्षक रंजीत साहू, नेमीचंद पटेल, आरक्षक रितेश प्रजापति, लक्ष्मीकांत साहू, भूषण निषाद, भोग चंद कश्यप का कार्य सराहनीय रहा। गरियाबंद जिले के पुलिस कप्तान भोजराम पटेल ने बताया कि जिले में तस्करों के खिलाफ अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। पूर्व में भी माइनिंग एक्ट, वन्य प्राणी अधिनियम, नारकोटिक्स एक्ट, आबकारी अधिनियम के अंतर्गत लगातार कार्यवाही की गई है। पी न्यूज के लिए छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। हमारे जिले को हीरे स्मगलिंग को सीज करने के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिली है। कल फिंगेश्वर थाना क्षेत्र में 440 नग हीरे फिंगेश्वर थाना प्रभारी ने सीज किए थे। इसके बारे में मुझे और हमारे एडिशनल एसपी साहब और एसडीओपी साहब को सूचना मिली थी, तो फिर हम लोगों ने थाना प्रभारी को इंस्ट्रक्शन दिए, उसने टीम बनाया और टीम बना करके घेराबंदी करके उनको गिरफ्तार कर लिया। बाद में उससे हम लोगों ने पूछताछ किया तो उसके पास कोई वैध पेपर नहीं था। हम लोगों ने उससे पूछा कि हीरे तुमने कहाँ से प्राप्त किए, तो उसने जुगाड़ क्षेत्र जो हमारे जिले का ही जो हीरे की खदान के लिए फेमस है वहां से उसने प्राप्त किया था। इस संबंध में हम लोगों ने उसके फोन भी सीज किए, गाड़ी भी सीज किया और हम लोगों ने पूछताछ किया, जिसके संबंध में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले हैं। हमने एफआईआर किया और हम लोगों ने इसकी जांच शुरू कर दी है। हो सकता है कि बाद में उसने कहां से प्राप्त किए थे, इस बारे में और भी हम लोगों को सूचना मिलता जाए जिसमें हमारी पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। हीरे से संबंधित कार्य होने के कारण इस पर हम लोगों ने माइनिंग एक्ट लगाया है और इस पर 379 और माइनिंग एक्ट का हम लोगों ने क्राइम दर्ज किया है। और साथ ही साथ इसके साथ चूंकि वो लोग इस स्कूटी में थे, तो हम लोगों ने टू व्हीलर भी सीज किया और उनके पास आप देख सकते हैं कि दो मोबाइल थे, इसको हम लोगों ने सीज किया। इसके माध्यम से हम लोगों को आगे सूचना मिल सकती है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि ये हमारे जिले के लिए सबसे बड़ी सफलता है, लेकिन पहली सफलता नहीं, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने हीरे के क्षेत्र में लगभग 672 नग हीरे हम लोगों ने सीज कर लिए थे और आज के इन सभी हीरों को मिलाकर लगभग हमारे जितने हीरे हैं 1112 नग हम लोगों ने हीरे सीज कर लिए हैं। और इन सब लोगों की यदि हम लोग कीमत देखें तो आज के हीरे की 440 नग की कीमत लगभग 50 लाख रुपए के आसपास है, और यदि हम पहले के हीरे को देखें और सभी की हम कीमत को आंकें तो लगभग हम लोगों ने अभी तक में 1,50,00,000 के हीरे सीज कर लिए हैं। ये हमारी पूरी टीम की सफलता है और चूंकि हम पूरे टीम वर्क के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने हीरे स्मगलिंग के क्षेत्र में शिकंजा कसने में हम लोगों को सफलता मिली है। साथ ही साथ ये हीरे के क्षेत्र में ही नहीं, आप देख सकते हैं कि कल हम लोगों ने काउ स्मगलिंग के क्षेत्र में और कुछ दिन पहले हम लोगों ने गांजा की स्मगलिंग के क्षेत्र में गिरफ्तार करने में सफलता मिली थी। निश्चित रूप से हमारी टीम काम कर रही है और बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, इसके लिए अपनी टीम को बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ चूंकि टीम ने इतना अच्छा कार्य किया है, तो इसलिए पूरी टीम के लिए मैं अपने 10,000 रुपये की घोषणा करता हूँ, जिससे हमारी टीम को प्रोत्साहन मिलेगा और आगे हम लोग ऐसे कार्य करते रहेंगे। यूपी के बुलंदशहर में सयाना हिंसा के मुख्य आरोपी और बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक योगेश राज ने वार्ड 5 से जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में जीत दर्ज कराई है। जमानत पर जेल से बाहर योगेश राज वार्ड 5 से निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में था। योगेश राज ने प्रतिद्वंदी निर्दलीय प्रत्याशी निर्दोष चौधरी को 2,150 वोटों से हराया। आपको बता दें कि 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर के सयाना में गोकशी के विरोध में जबरदस्त हिंसा हुई थी। हिंसा में सयाना कोतवाली के प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की ना सिर्फ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, बल्कि हिंसा में शामिल एक स्थानीय युवक सुमित की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। हिंसा में बलवायु ने चिंगारवठी पुलिस चौकी और वहां खड़े दर्जनों वाहनों को फूंक दिया था। इस मामले में 28 नामजद और 65 अज्ञात बलवायु के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज को पुलिस ने जेल भेज दिया।
फिलहाल योगेश राज जेल से जमानत पर बाहर चल रहा है। योगेश राज ने कहा कि आम आदमी की जरूरतों के बिना राजनीति में आए पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने अब सियासत की पहली सीढ़ी जिला पंचायत का चुनाव जीत कर चढ़ी है। वह सियाना हिंसा को भड़काने का आरोपी है, ना कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या का आरोपी। हिंसा में इंस्पेक्टर समेत दो लोगों की जान चली गई थी। दोनों परिवारों को लेकर उनकी संवेदनाएं हैं। जी, आप वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव जीते हैं, तो राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, मैं पूर्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों में काम किया है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बगैर राजनीतिक दायित्व के नहीं हो सकती हैं। आप उसमें किसानों की समस्याएं ले सकते हैं, विधवाएं पेंशन है, विकलांगों के लिए ट्राईसाइकिल है, ऐसी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जो बगैर राजनीतिक दायित्व के पूर्ण नहीं हो सकती हैं। इसलिए मेरा मन सामाजिक संगठन के बाद राजनीतिक क्षेत्र में आने का बना है और मैं वार्ड नंबर 5 जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा और 2150 वोटों से जीत कर मैं चुनाव जीता हूं। जैसा कि आप पर आरोप है कि क्या नाम है, आप सियाना हिंसा के मुख्य आरोपी बताए गए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सियाना हिंसा की जहाँ तक आप बात करते हैं, दो व्यक्तियों की उसमें शरीर पूरा हुआ है। दोनों परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और जहां तक बात है हिंसा की बात, मैं उसमें केवल हिंसा भड़काने का आरोपी हूं, ना कि हत्या का आरोपी हूं। तो राजनीति का जो पूरा उद्देश्य है तो क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीतिक जीवन में भी मैंने पहली सीढ़ी चढ़ी है और समाज के सहयोग से और ईश्वर के आशीर्वाद से मैंने उसको पार किया है। भविष्य में भी मैं आने वाले चुनावों में अपना दम जो है दमदारी के साथ रखूंगा, चुनाव मजबूती के साथ लड़ूंगा और ईश्वर और जो समाज जो चाहेगा वह तय होगा। इसी आधार पर मैं समाज के आधार पर इस राजनीतिक कैरियर में निकला हूं, जहां तक सफलता मिलेगी। जिला पंचायत के बाद में आप कौन सा चुनाव लड़ना चाहेंगे आगे? अभी जिला पंचायत चुनाव पूर्ण हुआ है, मैं विजयी हुआ हूँ 2150 वोटों से। आने वाला चुनाव विधानसभा का है। जैसा समाज रूपरेखा तय करेगा, जैसे समाज के लोग योजना तय करेंगे, उसी अनुसार कार्य होगा। अब और कौन से संगठन से काम करते हैं? मैं इस समय अभी एक वर्ष पूर्व बजरंग दल के जिला संयोजक दायित्व से मुक्त हुआ हूं। संगठन ने मुझे एक वर्ष पूर्व पहले ही मुक्त कर दिया था। इस समय मैं किसी भी संगठन में नहीं हूं। डोमचांच में एक और कोरोना की मार तो दूसरी ओर जल संकट का गहराना लोगों को बेदम कर रहा है। गर्मी का पारा बढ़ता ही जा रहा है और लोगों के समक्ष पानी के लिए हाहाकार मचा है। डोमचांच प्रखंड अंतर्गत बेराडीह पंचायत के ग्राम सरोनिया हरिजन टोला में मुख्यमंत्री नल जल योजना के तहत सोलर आधारित जलापूर्ति योजना के तहत पानी टंकी लगी थी, जो महीनों से बंद पड़ी है। लगभग 300 आबादी वाले इस गांव में महज एक चापाकल है, जिस पर लोग पानी के लिए निर्भर हैं। बाकी के 4 चापाकल खराब पड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लोगों ने मुखिया जिला परिषद सदस्य को समस्याओं से अवगत कराया, सभी ने सिर्फ आश्वासन देकर छोड़ दिया। समस्या का निदान करने के बजाय जनप्रतिनिधि कान में तेल डालकर सो गए। ग्रामीणों ने कहा, शासन और प्रशासन सब कोरोना में लगे हुए हैं, किसी का ध्यान अन्य कार्यों के प्रति नहीं है। सिर्फ कोरोना ही समस्या नहीं है, समस्या जल और नल की भी है। गांव में आसपास के जितने भी कुएं हैं वो सभी सूख चुके हैं। मामले को लेकर जिला परिषद सदस्य शांति प्रिया ने कहा कि सरोनिया गांव के अलावा कई गांवों के चापाकलों खराब पड़े हैं। चापाकलों की सूची डोमचांच बीडीओ और कोडरमा उपायुक्त को लिखित रूप से अवगत कराई गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई पहल नहीं हुई। हालांकि बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि जल्दी समस्या का निदान हो जाएगा। शांति प्रिया ने कहा कि हमने PHED विभाग के एग्जीक्यूटिव को भी समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई पहल नहीं हुई। वहीं मुखिया राजेंद्र मेहता ने कहा कि मामला PHED विभाग का है, मेरा नहीं। मैंने गांव वालों को नंबर दे दिया है, वो नंबर पर फोन करके बुलाकर ठीक करवा लें। PHED विभाग की उदासीनता के कारण आज कई चापाकल खराब पड़े हैं। उसमें पानी आज 2 महीना से बंद है, यहाँ एकदम कल बंद है। दोनों 2 महीना से चापाकल यहाँ 5 गो है, जो 5 गो चापाकल में 1 गो चल रहा है। अब यहाँ जनसंख्या कम से कम 300 से अधिक है, जिसमें कि एक चापाकल से कितना लोग सक्सेसफुल कर सकते हैं, नहीं कर सकेगा ना। इस किसको दिए थे? इसको सूचना मुखिया को दिए थे और इसका सिवाय तो शांति प्रिया को दिए थे, जिला परिषद को और मुखिया को दिए थे, और इसका सिवाय किसी को नहीं दिया गया। अच्छा, ना अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया। उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं बोला है, वो लोग कुछ बोलबे नहीं किया।
बोला वो की बोल बन जाएगा एक दो दिन, लेकिन एक दो दिन करके आज दो महीना हो गया। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पी न्यूज चैनल खबरों का बादशाह। नमस्कार।